अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना बात करेंगे, 2021 मैथ। जी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तीन फरवरी दो फरवरी 2021 पूरा प्रश्न पत्र हल तो दोस्तों पेपर कठिन आया सरल आया इसको हम इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए दोस्तों को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था

अगर आपके पास मोबाइल हो कैलकुलेटर तो आप चेक कर लीजिएगा अगर दोस्तों आप इसका वर्ग मूल निकालेंगे तो कितना इसको डायरेक्टली चेक कर लिया जाए तो दोस्तों टोटल कितनी संख्या आ रही दोस्तों गिनिए एक दो तीन चार टोटल चार संख्या तो बस ये आपका तीसरा विकल्प सही होगा अगला क्वेश्चन था दोस्तों यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों में पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगी तो दोस्तों क्या होगी बताइए आप लोग देखिए अगर आपका को कोई सिक्का है ना अगर हम इसको उछालते हैं दो सिक्के दोस्त उछालेंगे अगर एक सिक्का आपके पास होगा तो देखिए या तो दोस्तों हेड आएगा, या तो टेल आएगा सिंपल सी बात है लेकिन अगर दोस्तों हम एक साथ दो सिक्का उछालते हैं तो या तो दोस्तों हो सकता है उसमें आ जाए या तो दोस्तों टेल टेल आ सकता है या तो हेड या एक में टेल आ सकता है या एक में टेल या एक में हेड आ सकता है लेकिन इसमें बोला गया था दोस्तों दोनों सिक्कों में पट के ऊपर आने की संभावना क्या होगी तो सिंपल सी बात ये एक बटे चार हो जाएगा ठीक है ना तो चलिए दोस्तों टिक लगाते हैं दूसरे का पहला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि यदि लंब बेलन तथा लंब लंब्रतीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा तो दोस्तों देखिए लंब लंब्रती बेलन का दोस्तों आयतन में क्या हो जाएगा पाईआर स्क्वायर एच हो जाएगा और शंकु का दोस्तों जो आयतन हो जाएगा एक बटे थ्री पाईआर स्क्वायर ठीक है तो मतलब दोस्तों एक तरफ पाई आर स्क्वायर एच था और एक तरफ हमारा एक बटे तीन आर स्क्वायर एच है ठीक है तो ये ये दोस्तों पूरा कट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तीन नीचे हो जाएगा एक या दोस्तों आप इसको तीन अनुपाते एक लिख सकते हैं तो फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं तो दोस्तों हम दूसरे विकल्प के साथ जाएंगे और इसको हम टिक करेंगे तो पहले तीन क्वेश्चन दोस्तों तो हमारे हो चुके हैं और आप लोग देखिए नंबर जल्दी जल्दी मिलाते चलिएगा ठीक है अगर कुछ चेंजेस होगा दोस्तों विकल्प में तो हम आपको बता देंगे वैसे होता है ना जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ कि कुछ हो जाए ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से चौथा नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा है कि साइन स्क्वायर पैंतालीस अंश प्लस कॉस स्क्वायर तीस अंश का मान क्या होगा देखिए साइन पैंतालीस का मान होता है आपका एक बटे अंडर रूट टू लेकिन इसका स्क्वायर करना है प्लस का दोस्तों कॉस स्क्वायर तीस मतलब कॉस तीस का मान होता है अंडर रूट तीन बटे दो इसका स्क्वायर कर देना है इसका दोस्तों मान आ जाएगा एक बटे दो प्लस आ जाएगा यहाँ पर तीन बटे चार यहाँ दो दो से गुड़ा कर लीजिए ऊपर दोस्तों क्योंकि हर बराबर हो जाएगा ना इधर दो बटे चार इधर दोस्तों प्लस यहाँ पर तीन बटे में चार मतलब आपका आंसर आएगा पांच बटे चार तो विकल्प देखते हैं दोस्तों हमारा तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है ठीक है ना तो इसको हम टिक कर लेंगे चौथा क्वेश्चन दोस्तों हो गया हमारा तो इसका हमारा तीसरा विकल्प अब चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या रहा कि यदि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों को पचास प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा ये दोस्तों आपको बताना है कि कितने टाइम से मतलब ये क्षेत्रफल बढ़ने वाला है ठीक है ना तो कैसे करेंगे चलिए पहले हम आपको इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन दिखाते हैं अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए जरा आप लोग ठीक है तीसरा ये तीसरा क्वेश्चन देखिए इसमें एक कहा गया था कि यदि एक वर्ग की भुजा पच्चीस परसेंट बढ़ा दी गई तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा और दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि, कि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई आपको एक बात पता होगा कि जो हमारा वर्ग होता है ना उसमें दोस्तों लंबाई बराबर चौड़ाई देखिए वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं बराबर होती हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो गए तो ऐसा नहीं होना था ठीक है में दोस्तों जो होती है, तो जो आपका बढ़ा है उतना इसको दोस्तों आप कुछ ऐसा कर सकते थे पचास प्लस पचास प्लस पचास गुड़े पचास बटे में आपका हो जाएगा सौ दो जीरो से दो जीरो दोस्तों पचास पचास सौ हो गया प्लस दोस्तों यहाँ पर पांच गुड़े पांच पच्चीस हो गया टोटल आपका एक सौ पच्चीस हो गया एक सौ पच्चीस परसेंट है लेकिन दोस्तों इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी लेकिन यहाँ पर बोला गया कितना गुना बढ़ जाएगा इसको दोस्तों परसेंटेज को हटा एक सौ पच्चीस बटे सौ हो जाएगा पच्चीस एक सौ पच्चीस पच्चीस चौके सो तो हमारा आ गया दोस्तों पांच बटे चार ठीक है तो चौथा विकल्प हमारे यहाँ पर सही है तो हो सकता है दोस्तों आपका एक बटे या नौ बटे चार आ रहा हो तो देखिए इन दोनों में से कुछ है तो अगर दोस्तों कुछ और डाउट्स होगा तो उसका लिंक हम आप नीचे आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे फिलहाल ठीक है काफी बच्चे डाउट्स में नौ बटे चार या पांच बटे चार फिलहाल आप लोग पांच बटे चार को टिक किए तो ठीक है तो अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या तीन बटे पांच और चार बटे पांच के मध्य नहीं आती है आपको दोस्तों ये बताना था ठीक है कौन सी भाई इसके बीच में नहीं आती है तो देखते हैं जो इसके मध्य नहीं आनी चाहिए देखिए दोस्तों क्या करना है जैसे तीन बटे पांच लिखा है और चार बटे पांच तीन बटे पांच और दोस्तों दूसरा क्या लिखा हमारा चार बटे पांच इसको जरा पांच से भाग कर लीजिए कितना हो जाएगा ऐसे भाग करेंगे दोस्तों यहाँ पर तीन है ना तो यहाँ दसमलव लगाएंगे जीरो बढ़ गया पांच तीस ठीक है यहाँ पर आ जाएगा दो सौ जीरो दसमलव छह इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा चार ऐसे पांच से भाग करेंगे दसमलव लगाएंगे यहाँ जीरो बढ़ जाएगा तो पनबे चालीस ठीक है ना तो यहाँ पर आ जाएगा दो सौ जीरो दसमलव आठ तो हमें दोस्तों ये बताना था इसके मध्य कौन सी नहीं आती अब क्या लिखा है ये दस बट सात बटे दस इसको भाग करें तो आ ये जीरो तो जीरो और जीरो करेंगे तो दोस्तों दोस्तों अच्छा, आपके पास एक और ऑप्शन होता है क्या होता है पता है वो इसको एक और चेक कर लिया जैसे हमने पहला चेक कर लिया इसको तीसरा भी चेक करना है तो दोस्तों भाग करिए जरा तीन से करेंगे तो दोस्तों कितना है ऊपर लिखा दो लिखा है ना तीन से जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा दसमलव लगाएंगे जीरो बढ़ जाएगा तीन छंग अठारह ठीक है तो यहाँ दो बचा फिर तीन तो दोस्तों मतलब पहला तीसरा विकल्प ऐसा जो नहीं होगा दूसरा और चौथा दोस्तों इसी में आपको कन्फ्यूजन होगा कि इनमें से क्या सही आंसर होगा ठीक है ज्यादा वैसे टाइम भी लगता हम आपको बेसिक समझा दे रहे ऐसे क्वेश्चन में लेकिन दोस्तों जो ये विकल्प दिया था इसमें हम एक काम कर सकते हैं जो इसका ना हर देख रहे हैं तीन बटे पांच है आप एक तरफ लिखा है ना आपका और एक तरफ चार बटे पांच दोस्तों हर में गुड़ा कर देते हैं से ऊपर छह से नीचे तो मतलब अगर छे, छे से करेंगे, तो क्या इसमें कोई बदलाव होगा नहीं होगा देखिए ऊपर छह छह कट गया कुछ नहीं तो ऊपर हो जाएगा अठारह बटे तीस और इधर दोस्तों छह से गुड़ा करेंगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा छह चौके चौबीस बटे तीस अब देखिये दोस्तों एक तो अठारह बटे तीस और चौबीस बटे तीस के बीच में दोस्तों उन्नीस बटे तीस चोग भी आ रहा है लेकिन दोस्तों जो हमारा सोलह बटे तीस है देखिए ये इसके मध्य नहीं आ रहा तो जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा सोलह बटे तीस अगर आपने दोस्तों चौथा विकल्प टिक किया है है तो तो आपको पूरा एक नंबर नंबर मिलेगा चलिए पहले छह 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 क्वेश्चन हो के हो हो गए गए के ठीक जो बच्चे में से सही करके आ रहे हैं तो भाई उनके लिए बधाई परीक्षा दोस्तों आपका निकल जाएगा क्योंकि देखिए बारह में से फिफ्टी परसेंट अगर आपने स्कोर कर लिया ठीक है ना बारह में से दोस्तों छह नंबर तो आपके बहुविकल्प ही सही बन गए तो फिर भाई पासिंग मार्क काफी आसान हो जाता है चलिए अब शुरू करेंगे आज के लघुत्रीय प्रश्नों को तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अति लघुतरीय प्रश्नों को तो पहला सातवा क्वेश्चन क्या रहा एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का मान ज्ञात यदि ज्ञात तो करना था तो कैसे करना था दोस्तों इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं आप इसमें दोस्तों इसमें दोनों पक्षों का क्यूब कर दें इधर भी दोस्तों क्यूब कर दें इधर भी क्यूब कर दें तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा एक्स क्यूब आएगा वन बाई एक्स क्यूब आएगा माइनस थ्री

यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब बराबर सत्ताईस बटे आठ प्लस का नौ ले लेंगे कर हर बराबर करना चार से ऊपर सत्ताईस बटे आठ प्लस का दोस्तों बटे आठ जोड़ लेंगे सत्ताईस और छत्तीस कितना आ जाएगा सात छ तेरह तीन दो पांच एक तो हो गया दोस्तों हमारा आंसर तिरसठ बटे आठ क्या था आंसर सिक्सटी थ्री बाई एट अगर आपको दोस्तों यही आंसर आ रहा था

तो दो पासे में दोस्तों क्या क्या होता है देखिए पासे में एक होता है दो होता है तीन चार पाँच टोटल ये चीजें होती है ना तो अभाज्य संख्या होने का मतलब दोस्तों क्या क्या हम शुरू करेंगे या तो दोस्तों पहले एक हो और छे हो दोनों का योग करना है मतलब दोस्तों अगर हम वन प्लस छ करें तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा सात आ जाएगा ठीक है ना एक में दोस्तों एक छे हो जाएगा दूसरे में दोस्तों हमारा क्या आ सकता है पासे में दो और तीन आ सकता है फिर दोस्तों हमारा क्या आ सकता है अगली संख्या देखिए इसको यहाँ कर ली ब्रैकेट से करेंगे तो अच्छा लगता है ठीक है एक हो गया दो हो गया उसके बाद दोस्तों दो तीन हो गया तो तीन दो उल्टा भी कर देंगे ठीक है उसके बाद दोस्तों हमारा क्या हो सकता है एक हो सकता है ना और एक। ये चार हो गए उसके बाद दोस्तों हमारा हो सकता है चार और तीन हो सकता है हमें अंकों का योग करना है देखिए छ एक सात होता है दो तीन दो पांच तीन दो पांच छत चार तीन सात ठीक है मतलब अभाज्य संख्या ही होना चाहिए फिर दोस्तों चार तीन हो सकता है तो इसका उल्टा तीन और चार कर दे ठीक है जैसे जैसे दोस्तों आपके मन में आता जाए आप इसको लिखते जाइएगा दो और पांच कर सकते हैं ठीक है ना अब दो पाँच आ गया तो दोस्त इसका उल्टा हम पाँच और दो भी कर देंगे ठीक है, उसके बाद दोस्तों तो क्या आ सकता है वन और वन भी तो आएगा क्योंकि दोस्तों एक एक भी तो अपाज्य संख्या होती है दो ठीक है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है दो होती है उसके बाद दोस्तों तो हमारा एक और दो भी आ जाएगा ये भी अभाज्य संख्या है और लास्ट में दोस्तों तो हमारा दो और एक आ जाएगा ठीक है आप देख लीजिएगा अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है तो आपको पूरा एक नंबर मिल जाएगा अगर हमने कुछ छूट गया है तो इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा वैसे दोस्तों आपका आपका आंसर बस यही था जोड़ने पर आपका अंकों का योग क्या आना चाहिए अभाज्य संख्या ठीक है बस ये हो गया अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग तीन लाख चौरासी हजार किलोमीटर है ठीक है कह दह हजार दस हजार यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात करना है ठीक है तो ये कैसे होगा इसको हम देखते हैं देखिए दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी के चारों इसका पथ वृत्ताकार है तो इसकी परिधि की याद करना है तो परिधि का फार्मूला हमारा क्या होता है सिंपल सा फॉर्मूला होता है टू पाई आर तो दोस्तों हमने इसका आपको फार्मूला बता दिया कि जैसा कि परिधि का फार्मूला टू पाई आर होता है तो आप इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा बाकी दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं ताकि दोस्तों पता तो चले आप भी इस पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं क्योंकि पेपर में आपने भी क्वेश्चन को किया होगा और आपका आंसर क्या रहा था चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ अगली वीडियो में दोस्तों हम आपको इसका आंसर भी बता देंगे तो दोस्तों दसवा क्वेश्चन हमारा क्या था हमें गुड़न खंड करना था ठीक है क्वेश्चन काफी आसान है क्या दोस्तों लिख रखा चौबीस माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस का चौतीस ए देखिये दोस्तों खाली आगे पीछे संख्या लिखा है उससे हो सकता है आप डर गए हो इसको पहले आगे लिख लीजिए थ्री ए स्क्वायर प्लस का थर्टी फोर ए प्लस का ट्वेंटी फोर ठीक है माइने दोस्तों आगे लिखा आप एक काम करिए माइनस से पूरे में गुड़ा कर दीजिए तो दोस्तों थ्री ए स्क्वायर माइनस का चौतीस ए माइनस का चौबीस ठीक है हमने क्या बोला दोस्तों पहले और लास्ट का आपको गुड़ा करना होता तो चौबीस गुड़े तीन चौबीस अड़तालीस चौबीस तीन बहत्तर छत्तीस धूनी बहत्तर भी होता दोस्तों छत्तीस में से दो घटेगा चौतीस ए आ जाएगा तो मतलब थ्री ए स्क्वायर माइनस का छत्तीस ए ठीक है प्लस का दोस्तों टू ए आ जाएगा माइनस का चौबीस बस इसको सॉल्व कर लिया हमने थ्री ए दोस्तों कॉमन हो जाएगा बचेगा ए माइनस का बारह प्लस का दोस्तों पर क्या बचेगा दो माइनस का माइनस बारह दोनों तरफ से कॉमन हो जाएगा हमारा बचेगा कितना 3A प्लस का टू यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है अगर आपके दोस्तों प्रैक्टिस अच्छी होगी हुँ। तभी आप इस क्वेश्चन को तो कर पाएंगे नहीं तो फिर आपके लिए काफी ज्यादा दिक्कत आई होगी ठीक है ना तो ये दोस्तों हमारा आंसर रहा और हो सकता है कि आप लोग यहाँ माइनस में लेने वेने में कुछ कंफ्यूजन या गलती कर गए हो ठीक है ना तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ ठीक है तो फिलहाल इसको ये पर हम आंसर कर देते हैं तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा इसको जरा देखते हैं कि धनात्मक वर्ग मूल लेते हुए दोस्तों आपको सरल करना था ठीक है वर्ग मूल हमें निकालना था ज्यादा कुछ नहीं था तो इसको भी दोस्तों कर लेते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये सब ठीक है और एक एक नंबर आपको पूरा सॉलिड देकर जाते हैं ये दोस्तों क्या लिखा आपका अंडर रूट चार सौ ठीक है प्लस का दोस्तों लिखा है रूट जीरो दशमलव जीरो चार प्लस का दोस्तों हमारा लिखा है रूट जीरो दशमलव एक दो तीन बार जीरो दो तीन बार दो बार और है फिर यहाँ चार लिखा है ठीक है इसका मान रूट चार सौ का मान दोस्तों हमारा बीस आ जाएगा प्लस जीरो दशमलव जीरो चार का मान आएगा जीरो दशमलव दो आ जाएगा प्लस का दोस्तों इसका मान जो आएगा हमारा तीन तीन छह अंक है ना तो जीरो दशमलव जीरो जीरो टू आ जाएगा ठीक है सबको जोड़ लेते हैं कैसे दोस्तों जोड़ेंगे इसको ऐसे लिख साइड में बीस दसमलव जीरो 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 कर दीजिएगा फिर दोस्तों नीचे क्या है जीरो दसमलव दो जोड़ना है फिर प्लस कर देते हैं दो आ जाएगा जीरो आ जाएगा दो आ जाएगा दशमलव जीरो दो बीस दसमलव टू जीरो टू ठीक है दोस्तों तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है अब दोस्तों बढ़ेंगे हम आज के लघु त्री क्वेश्चन की, की तरफ और आप लोग कमेंट करके दोस्तों बता दीजिएगा कि अभी तक आपके दोस्तों पहले ग्यारह क्वेश्चन में से कितने सही हो रहे हैं ठीक है चैनल चैनल तो चैनल पर पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए को और वीडियो को लाइक ना के तो वीडियो को लाइक तो करना है ना बाकी क्वेश्चन गलत हुए हुए सही वे। उसको देखिएगा आप वीडियो को अंत तक तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के लघुतरीय प्रश्नों को तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है बारह नंबर कि विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा दोस्तों दस मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत है तो दोस्तों देखिए दस बारह आठ नौ ये सब दिया गया था इसके आपको माध्यिका ज्ञात करनी थी तो माध्यिका दोस्तों निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है सबसे पहले दोस्तों इसको हम क्या लिखेंगे आरोही क्रम में लिख लेंगे आरोही क्रम क्या होता है बढ़ता हुआ हमारा क्रम तो क्या लिखा था दोस्तों स्टार्टिंग हमारी दस बारह आठ नौ करके लिखा था तो आरोही क्रम में दोस्तों स्टार्टिंग होगी सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या हमारी यहाँ आठ है फिर नौ है ठीक है आप देखते रहिए दस ग्यारह बारह दस ग्यारह बारह उसके बाद दोस्तों तेरह पंद्रह अठारह तेरह पंद्रह अठारह उसके आगे दोस्तों क्या लिखा उन्नीस और 22, ठीक है एक दो तीन चार हमारी छह सात आठ नौ दस तो दोस्तों हमारा यहाँ एन का मान क्या आ गया ये आ गया हमारा दस ठीक है तो यहाँ पर हमारा मादिका का जो फार्मूला लगेगा दोस्तों ये क्या हो गया दस आपके एक सम संख्या है ना तो सम वाला फार्मूला दोस्तों हमारा क्या होता है मादिका का एन बाई टू पद प्लस दोस्तों होता है हमारा एन बाइ टू प्लस वन वहां पद ठीक है तो बस ऐसे आप इसको निकालेंगे बटे दो कर देंगे एन बाय टू का मतलब यहाँ हो गया आपका दस बटे दो वहां पद ठीक है प्लस दोस्तों दस बटे दो प्लस वन यहाँ प्लस का चिन्ह है दोस्तों वहां पद हो जाएगा बटे में दो हो जाएगा तो भाग करेंगे दोस्तों दो पंजे दस आ जाएगा यहाँ पर पांचवा पद ठीक है प्लस दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा भाग करेंगे दो एकम दो पंजे दस पांच एक प्लस छे छठवां पद बटे में दोस्तों आपका दो रहेगा अब देखिये पांचवा पद क्या था गिन लीजिए दोस्तों एक दो तीन चार पांच एक तरफ बारह एक तरफ तेरह तो मतलब दोस्तों एक तरफ हम लिखेंगे बारह प्लस का तेरह बटे में दो हो जाएगा बारह तेरह दोस्तों होता है हमारा पच्चीस बटे दो का मतलब दोस्तों आ जाएगा भाग करेंगे दो एक कम दो दो दो, दो नीचे दो पंजे दस तो हमारा दोस्तों जो आंसर आ जाएगा इसका बारह दशमलव पांच आ जाएगा काफी बड़ा क्वेश्चन था देखने में दोस्तों भले आपका दो नंबर का था लेकिन एक घंटे के पेपर में ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों काफी बड़ा कहा जाता है

तो देखिए इसमें क्या था क्वेश्चन में आपकी की जिसकी प्रत्येक भुजा दोस्तों आपकी चार दशमलव पांच सेंटीमीटर तथा एक विकट दिया गया था तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक काम करना था कि चार दशमलव पांच सेंटीमीटर चलिए यहां पर बढ़िया से बनाते हैं ठीक है एक भुजा हमने दोस्तों चार दशमलव पांच सेंटीमीटर की खींच ली ठीक है उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना था कि हमें पता था कि इसका एक विकट पता है तो आप इसका नाम करार्ट करते जरा ए हो गया बी हो गया तो दोस्तों बी से आप एक काम करते हैं यहाँ पर चार दशमलव पांच सेंटीमीटर का ठीक है पहले आपको एक काम करना था ए से दोस्तों कितना देखिए विकट विकट दिया गया ना हमारा छह सेंटीमीटर तो दोस्तों यहाँ पर गोला प्रकार की नोक रखते हैं तो आप ऐसे कहीं कट करते हैं और दोस्तों बी से भी आप कुछ कट करते हैं पांच सेंटीमीटर पर तो दोस्तों इसको फिर आपको मिला देना था तो ये दोस्तों आपकी चार दो पांच सेंटीमीटर भुजा हो जाएगी ये वाली आपकी हो जाएगी छह सेंटीमीटर ठीक है बाकी दोस्तों अब आगे क्या करना था इधर भी दोस्तों आपको चार दस पांच सेंटीमीटर का ठीक है करना था इधर से चार दस पांच तो इन दोनों बुझा दोस्तों आप ऐसे मिला लेते तो आपका हो जाता ए बी सी डी करके नाम करट कर देते हो जाता दोस्तों बता, आपको क्या निकाली थी दूसरा विकट मतलब ये वाली दोस्तों के नाप थी तो इसका दोस्तों जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आएगा छह दशमलव सात सेंटीमीटर तो जितने बच्चों को दोस्तों इतना आंसर आ रहा है छह दशमलव सात सेंटीमीटर उनका सही है हो सकता है कि नापने पर आपका छह दशमलव आठ भी आ सकता है तो देखिए एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा कि वो नंबर देगा या नहीं लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू दोस्तों ने सोचा आपको बता दी जाए तो इतना हो गया छह दशमलव सात सेंटीमीटर ठीक है

आइए देखते हैं तो दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं देखिए प्रश्न में बोला गया था भवन तथा सड़क का क्षेत्रफल बताना है तो चलिए सबसे पहले हम सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं सड़क क्या है दोस्तों ये देखिए ग्रीन कलर से जहां पर देखिए डॉटेड है ना मतलब किया गया है वही आपकी सड़क है देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल लंबाई हमारी बीस मीटर दी गई है और दोस्तों देखिये जरा यहाँ पर यहाँ तक की पंद्रह मीटर है भवन में और दोस्तों बीस में से पंद्रह घटा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पांच मीटर तो दोस्तों इतनी लंबाई हमारी पांच आ गई ये दोस्तों लंबाई पांच है देखिए इसको अलग से हम करके आपको दिखाएंगे तो आपको बढ़िया दिखेगा तो देखिए कैसे दोस्तों ठीक है ना कुछ ऐसा दोस्तों आपकी सड़क दिख है। खाली सड़क दिख रही का दोस्तों दोस्तों भी हम निकाल रहे हैं तो ये हमारी टोटल पांच मीटर हो गई और देखिए इसकी सड़क की चौड़ाई दी गई है हमारी दो मीटर ठीक है ये दोस्त हमारी लंबाई हो गई ये चौड़ाई हो गई और इधर भी दोस्तों हमारी पांच मीटर लंबाई है और दोस्तों चौड़ाई यहाँ दो मीटर है और देखिए यहाँ पर दो मीटर चौड़ाई है दोस्तों यहाँ पर ऐसे ठीक है ना तो देखिए दो इधर से दो इधर से हट जाएगा टोटल तीस था तो तीस में से चार हम घटा लेंगे ठीक है ना दो प्लस दो माइनस देखिए कैसे करना है तीस में से दो सौ माइनस दो घटाएंगे माइनस दो ये दोनों जोड़कर जैसे इसको ये कर सकते हैं ऐसे करिए आप तीस माइनस का टू प्लस टू इसको जोड़ लेंगे तो दोस्तों हमारे घटाने पर आ जाएगा छब्बीस ठीक है तो दोस्तों हमारे जो बीच की ये वाली लंबाई बचेगी ना ये वाली ये वाला पार्ट बचेगा देखिए इसको हम ग्रीन से हाईलाइट कर रहे हैं ठीक है ये तो दोस्तों ये हमारी जो इसकी लंबाई हो जाएगी वो होगी छब्बीस चौड़ाई दोस्तों हमारी दो मीटर होगी क्योंकि सड़क की चौड़ाई हमें दी गई है दो मीटर ठीक है तो अब हम इसका क्षेत्रफल तो दोस्तों पहले हम इतने भाग का निकाल लेंगे का और इसका निकाल लेंगे तो मतलब कैसे दोस्तों क्षेत्रफल हमारा आएगा इसको इसको जरा जरा देखते हैं हैं देते है। तो पहले दोस्तों हम लिखेंगे स्टार्टिंग में पांच गुड़े दो प्लस दोस्तों आ जाएगा हमारा छब्बीस गुड़े दो ठीक है फिर दोस्तों लास्ट में आ जाएगा पांच गुड़े दो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा पांच धुनी दस छब्बीस धूनी बावन पांच धुनी दस तो दोस्तों कितना आ जाएगा ठीक ठीक है 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 ये 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 आ तो आ आ आ गया गया जाएगा जाएगा हमारा हमारा क्षेत्रफल क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर में सड़क का अब दोस्तों बात हो रही है हमारा भवन का क्षेत्रफल देखिए दोस्तों अगर हम भवन और सड़क को एक में मान लेते तो दोस्तों हमारा क्षेत्रफल कितना आएगा देखिए पहले अगर हम भवन का निकालना चाहिए नॉर्मली तो भवन का क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा ये पंद्रह दिया गया है ठीक है और तीस मीटर दोस्तों हमारी लंबाई है तो लंबाई गुड़े चौड़ाई होता है तो दोस्तों हम सिंपल से इसको लिख लेंगे तीस गुड़े पंद्रह तो दोस्तों आ जाएगा हमारा 450 मीटर स्क्वायर लेकिन दोस्तों अगर हम भवन और सड़क को एक साथ दिखाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा जो भी आएगा 450 में हम बहत्तर को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा दो आ जाएगा सात पांच बारह दो चार एक पांच पांच सौ मीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है ना तो ऐसे दोस्तों कुछ आपको पेपर में करना था देखिए अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे नहीं तो क्या होता है ना प्रैक्टिस अगर नहीं है आपके पास तो फिर आप इतने अच्छे क्वेश्चंस को दोस्तों आप नहीं कर पाएंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा नंबर इसको जरा देखते हैं कि एक आयताकार बाग की दोस्तों लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दोस्तों दिया गया तीन अनुपात दो यदि बाग का क्षेत्रफल दोस्तों दो छह सौ वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी थी ठीक है आसान था क्वेश्चन इसको तो आपने कर ही लिया होगा तो चलिए नंबर मिला लेते हैं नंबर आपको मिलेगा कि नहीं क्वेश्चन में ठीक है ना तो चलिए दोस्तों करते हैं

और देखिए आयताकार बाघ का क्षेत्रफल फल दिया था ठीक है यहाँ पर आयत लिखा है इसको जरा ध्यान में रखिएगा तो देखिए दोस्तों हमारा आयत जो का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो होता है आपका लंबाई गुड़े चौड़ाई ठीक है तो हमें दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल दिया गया था छह दिया गया था तो छह बराबर हो जाएगा आपका थ्री एक्स इंटू मे टू इंटू एक्स तो दोस्तों छह सौ बराबर हो जाएगा हमारा तीन दोनों छह एक्स स्क्वायर तो यहाँ से हमारा एक्स का दोस्तों जो मान आ जाएगा छ सौ बटे में छह हो जाएगा भाग कर लेंगे सौ बार जाएगा ठीक है एक्सक्वायर का मान तो दोस्तों हो जाएगा तो, यह तो यहाँ से हमारा का मान आ जाएगा दस सेंटीमीटर किसमें दोस्तों दे रखा है इसको जरा देख लीजिए तो यहाँ पर दोस्तों वैसे वर्ग मीटर में दे रखा है तो, तो यहाँ सेंटीमीटर नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा हमारा दस मीटर ठीक है मीटर में आ गया एक्स का मान तो दोस्तों देखिए हमें क्या क्या निकालना था तो हमें लंबाई और चौड़ाई क्या करना था तो देखिए हमने लंबाई क्या माना था लंबाई माना था इन x एक्स तो मतलब तीन गुड़े दस हो जाएगा, तो जाएगा लंबाई तो तो मतलब दस तो दस बीस, बीस और चौड़ाई आ चुकी है हो गया क्वेश्चन ठीक है आसान था क्वेश्चन था ये थोड़ा सा देखिए लेंदी था जी हाँ एक घंटे का पेपर अगर देखा जाए तो उसमें हम कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर दोस्तों आज का थोड़ा सा लेंदी आ गया था जिससे हो सकता है काफी बच्चों की बैक आ सकती है चलिए सोलह नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि दोस्तों ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज चतुर पर बी और जी दोस्तों डी पर लंब है, है ठीक है यदि आपका दिया गया ए बी बराबर सोलह सेंटीमीटर जरा इसको लिख लेते हैं ए बी आपका सोलह दे रखा है एडी आपका दोस्तों बारह दे रखा है यहाँ पर ठीक है सी एफ दो सौ दस दे रखा है सी और एफ यहाँ पर दस दिया गया है तो हमें पर का मान ज्ञात करना है बी और जी मान कैसे आएगा ठीक है अगर दोस्तों आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होगा तो दोस्तों क्या होता है फार्मूला आधार गुड़े में ऊंचाई होता है ठीक है तो दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते है? जरा हैं जरा देखिए यहाँ पर ये लिखा है आपका ए बी ऊंचाई दोस्तों हमारा हो जाएगा सी इंटू एफ ठीक है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी गुड़े सी एफ बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा

बटे में दोस्तों नीचे बारह जाएगा बराबर हो जाएगा बीजी तो चार दोस्तों बारह चार चौके सोलह दस बुढ़े चार ठीक है मतलब बीजी का बटे में तीन यही हमारा फाइनल आंसर होगा ठीक है ना तो इतना हो गया तो हमारा दोस्तों एक हो गया मतलब अगर आपने इतना कर लिया होगा तो आपको एक नंबर मिल जाएगा बाकी दोस्तों यहाँ पर और दिया गया था एडी बराबर दोस्तों दस दिया गया है दूसरी कंडीशन है ये ये दोस्तों हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई इसको मिटार देते हैं अब क्या लिखा है दोस्तों हमारा अगर एडी का मान हमारा कितना है यहाँ पर दस है ठीक है इसको जरा लिख लेते हैं एडी बराबर दस हो जाता है सीएफ बराबर दोस्तों हमारा आठ हो जाता है बीजे का मान दोस्तों हमारा कितना हो जाता है बी और जी ठीक है बी है जी है ये दोस्तों मान बारह हो जाता है तो हमें ए बी का मान ज्ञात करना था तो वही दोस्तों सेम फार्मूला ठीक है इस बार दोस्तों हम क्या करेंगे एडी गुड़े बीजी ए डी गुड़े दोस्तों बीजे मतलब वही दोस्तों जैसे भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था ठीक है कुछ ऐसा ही करना है हमें तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा पहले लिखते हैं ए डी ठीक है दोस्तों हमारा हो जाएगा बी बी जी बराबर ए सी एफ ठीक है तो हमारा ए डी का मान दोस्तों कितना दे रखा था क्वेश्चन में ए डी का मान हमारा है दस गुड़े दोस्तों बी जी का मान हमारा दिया गया है क्वेश्चन में बारह बराबर ए बी का मान दोस्तों हमें निकालना है गुड़े एफ का दोस्तों मान हमें दिया गया था क्वेश्चन में कितना दिया गया था देखिए आठ दे रखा है ना तो आठ इसको निकाल लेते हैं तो से हमारा ए बी बराबर हो जाएगा दो सौ दस बुढ़े बारह बटे आठ चार दूनी आठ चार बारह दो एक कम दो, दो पंचाय दस पांच पंद्रह ठीक है ए बी का मान दोस्तों हमारा आ जाएगा पंद्रह बाकी सब कुछ इसमें दे रखा है सेंटीमीटर में तो दोस्तों हमारा मान सेंटीमीटर में आएगा इधर भी मान सेंटीमीटर में आएगा देखिए यूनिट आप नहीं लिखते फिर आप कहते हैं कि हमारे नंबर कट गए स्टेप मार्किंग दोस्तों डीएलएड में होती है तो वैसे मिला नहीं था बच्चों को नंबर ठीक है क्या कहें ठीक है फिलहाल इसका दोस्तों आंसर हमारा एक तरफ ए बी का मान पंद्रह सेंटीमीटर आ रहा है और एक मान दोस्तों आ रहा है, ये हो गया। अब बढ़ेंगे आज के अगले की तरफ। मिलाते ऐसी गलतियां ना हो उसको भी आपको ध्यान में रखना है आज का पेपर वैसे कठिन था पिछले सालों में दोस्तों ऐसा पेपर नहीं आया सिद्ध कीजिए दोस्तों हमारा टेन नाइनटी का मान दोस्तों क्या दे रखा है टेन नब्बे अंश बराबर टेन थर्टी प्लस का टेन ठीक है सिक्सटी अंश

वन बटे अंडर ये ये कट गया दोस्तों ऊपर आपका क्या बचा वन वन। तो वन वन जीरो से ऊपर भाग कर देंगे इनफाइनाइट आ जाएगा तो दोस्तों आप देख रहे होंगे एल एच एस मतलब आपका टेन नाइनटी मतलब इसका मान हमारा ये था आर एच एस दोस्तों हमाराइट तो मतलब एल एलचत बराबर आर आरचित ठीक है तो दोनों पक्ष बराबर है तो हमारा यही सही आंसर होगा तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर अठारह देखते हैं देखिए दूसरे क्वेश्चन पेपर से देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों क्लियर नहीं दिख रहा था तो अठारह नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि एक पास को दोस्तों एक हजार बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम एक दो तीन चार पांच छ की बारह बारता है निम्न की में दोस्तों दी गई है तो इनमें से प्रत्येक आने की प्रतिशत आपको ज्ञात करना था देखिए दोस्तों टोटल आपको पता है कि कितनी बार फेंका जा रहा है एक हजार बार ठीक है तो 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 हमें दोस्तों तो दोस्तों वन, तो -बार दोस्तों क्या है 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 सबका परसेंटेज निकालना जैसे परिणाम वन ठीक ठीक इसका परसेंटेज निकालना हमें टोटल एक हजार बार था दोस्तों परसेंटेज सौ से गुड़ा कर देंगे दो जीरो से दो जीरो कट गया तो दोस्तों ये आ जाएगा अठारह दशमलव पांच परसेंट दूसरा दोस्तों एक सौ पैंतालीस था तो इसको भी दोस्तों हम निकाल सकते हैं कैसे निकलेगा ये एक सौ बटे एक हजार हो जाएगा गोड़े में दो सौ सौ कर देंगे दो जीरो से दो जीरो चौदह दसमलव पांच परसेंट आ जाएगा तीसरा दोस्त हमारा एक सौ साठ था तो एक बटे एक हजार मतलब आसान क्वेश्चन था ठीक है ना दो जीरो से दो जीरो से मतलब सोलह परसेंट फिर उसके बाद दोस्तों आपका एक सौ चालीस एक सौ अस्सी एक सौ नब्बे ठीक है एक सौ चालीस एक सौ अस्सी और एक सौ नब्बे था ना अलग अलग निकाल लेते हैं बटे दोस्तों आपका हो जाएगा एक हजार हर बार गुड़े में सौ कर लेंगे दो जीरो से दो जीरो कट गया एक जीरो से ये कट गया चौदह परसेंट ही आ जाएगा दोस्तों ठीक है फोर्टीन परसेंट फिर दोस्तों ये आप इसका निकालना था तो एक हजार से भाग करना था सौ से गुड़ा करना था दो जीरो से दो जीरो कटा एक जीरो से यहाँ कट गया तो आपका बचेगा अट्ठारह परसेंट फिर लास्ट में दोस्तों आपको एक सौ नब्बे बटे एक हजार गुड़े सौ हो जाएगा दो जीरो से दो जीरो कटा एक जीरो से ये कट गया बचेगा आपका उन्नीस प्रतिशत ठीक है ना सबका दोस्तों हमने परसेंटेज निकाल लिया बस यही आपको करना था थोड़ा क्वेश्चन देखिए बड़ा था तीन तीन छो तीन चार पाँच छ अलग अलग आ गया ना ठीक है ये हमारा आंसर हो गया तो चलिए दोस्तों आप लोग अपना नंबर मिला लीजिएगा वीडियो को से शेयर कर दीजिएगा आपका पेपर कैसा गया आप कमेंट करके बता सकते हैं पेपर दोस्तों कठिन जरूर था लेकिन थोड़ा पेपर लेंथी था ठीक है तो मतलब दोस्तों पीएनपी वाले क्या कहें बाप क्योंकि पेपर को दोस्तों बहुत ही बड़ा बना दिया गया अगर पेपर छोटा होता तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाते ठीक है क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं थे लेकिन पेपर को लेंथी किया गया फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक कनेक्टेड है